Hey guys, this is Shreyoshi. As you guys know that we are super girls and we really love to do something from where people can learn and do something for society and have something in mind. So we decided to do something different this time, and this is voice drama, you know, audio dramas. So let's go. If you like it, please don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. As everybody requested, the voice drama is going to be in Hindi language. So let's go. So हमारा स्टोरी का नाम है पीरियड्स अ रोमांटिक सरप्राइज। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महिलाएं के पीरियड्स को बहुत नीची आंखों से देखते हैं, पर कहते हैं ना, सब एक जैसे नहीं होते, सो दिस वन्स फॉर देम। तो वो था दोपहर के 3 बजे का एक दिन, तब उसकी बॉयफ्रेंड ने उसे एक टेक्स्ट की ये कहते हुए कि हे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई विल टेक्स्ट यू द एड्रेस ऑफ होटल, मैं तुम्हें होटल का एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, जस्ट ड्रॉप बाय, पास में ही है, वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, हम लोग एक साथ कुछ वक्त बिताएंगे, बस ऐसे ही। तो उसने कही, यू आर इन द सिटी, तुम यहाँ पे आ गए सडनली, अचानक, व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आई कुड हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर सकती थी। तो उसके बॉयफ्रेंड ने फिर से कही, बिकॉज आई वॉन्ट टू सरप्राइज यू, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, नाउ जस्ट कम, अब आओ, आई सो वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मीट करना चाहता हूँ बस। तो उसने कही, श्योर आई विल बी देयर ऑन टाइम, ठीक है मैं वहाँ पे वक्त पर पहुँच जाऊँगा। उसकी दिमाग पे बहुत सारी बातें चल रही थी, वो सोच रही थी, व्हाई डिड ही कॉल मी टू होटल, उसने मुझे होटल पे क्यों बुलाया, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑफ 1 ईयर, हम लोग 1 साल बाद में मिल रहे हैं, व्हाट इफ ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड आई एम ऑन माई पीरियड्स, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो कुछ सोच रहा होगा, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा मुझसे, पर मैं तो पीरियड्स में हूँ ना, आई एम इवन टोल्ड हिम दैट आई एम ऑन माई पीरियड्स, मैंने उसे कह दिया है कि मुझे पीरियड्स में हूँ मैं अभी, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन इट, लगता है वो भूल गया होगा। वो इसलिए वरिड नहीं थी कि उसे क्या पहनना है, वो इसलिए वरिड नहीं थी कि वो जब फर्स्ट टाइम के लिए उसके साथ मीट कर रही होगी तो वो कैसे दिखती होगी, वो बस ये फैक्ट लेके बहुत चिंता में थी कि वो पीरियड्स में है। उसने फाइनली डिसाइड की कि वो अब जाएगी उसके बॉयफ्रेंड के साथ मीट करने के लिए। तो वो होटल में आई और वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, उसने बेल दबाई और वो वेट कर रही थी कि कब उसकी बॉयफ्रेंड आएगा और जाके दरवाज़ा खुलेगा। तो उसकी बॉयफ्रेंड ने कही, यू लुक ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही हो। तो उसने कही, वाई इज इट सो डार्क, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, वाई ऑल द लाइट्स आर ऑफ, यहाँ पे सारी लाइट्स बंद क्यों है। तो उसकी बॉयफ्रेंड ने कही, अरे कम ऑन, फर्स्ट गेट इनसाइड ना, अरे जल्दी आओ अंदर। तो जब उसने रूम पे एंटर की, उसकी बॉयफ्रेंड ने उसकी आंखें बंद कर ली, उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज़ोर से बज रही थी, वो बस सोच रही थी पता नहीं अब क्या होने वाला है। अचानक उसकी बॉयफ्रेंड ने लाइट ऑन कर दी और उसकी आंखों के ऊपर से हाथ हटा दी और उसकी बॉयफ्रेंड ने ज़ोर से चिल्लाया, सरप्राइज, पूरी की पूरी बेड वाज डेकोरेटेड विद रोज पेटल्स, पूरी की पूरी बेड रोज पेटल्स से सजे हुआ था, उसकी फेवरेट पिज्ज़ा बॉक्स वहाँ पर रखी हुई थी इन द मिडल ऑफ द बेड अलॉन्ग विद 12 roses, वन फॉर ईच मंथ ऑफ द रिलेशनशिप, और वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था ब्लीडिंग इज ब्लेसिंग। तो हमारा मॉरल यही है, ट्रीट अ गर्ल लाइक अ क्वीन, नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग विद देम।